أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم आप देख रहे हैं S48 News HD। आज की ताजा खबरों के साथ मैं हूं मियां फैसल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से बरोचे मोहम्मद इशफाक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बज़म जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के तहत सालाना जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बराए एहसाल सवाब वालदैन मरहूमीन सेठ बरादरान ज़ेरे एहतमाम वराइशगाह सेठ मोहम्मद इशफाक बलोचा रोड खान का डोगरा मुनक्कद हुआ। मिलाद सरकार दो आलम का आगाज मिलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का आगाज कारी मोहम्मद साकब सैफ चिश्ती ने तलावत कलाम पाक से किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बज़मी ने अपने मखसूस अंदाज में पेश की जिस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। आखिर पर खसूसी खताब बसिलसिला जश्न आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी नाजम तालीमात दारुल उलूम चिश्तिया रिजविया खान का डोगरा ने किया और कहा कि हमें अस्वा हसना की पैरवी से ही निजात का रास्ता मिलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होकर ही दिनों दुनिया की कामयाबी पा सकते हैं। आखिर पर दुरूद सलाम के साथ सेठ बरादरान के खानदान के तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत की गई। मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, S48 न्यूज़, शेखपुरा।